वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन दिनों छात्र अनजाने वायरस की चपेट में आ गए हैं। वायरस की चपेट में आए छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजा राममोहन राय हॉस्टल के हैं। छात्रों को शिकायत है कि उन्हें आंखों से देखने में समस्या आ रही है। ऐसी शिकायत करीब 50 स्टूडेंट को है। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को दी, तब विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से गुरुवार को होने वाले सोशल साइंस के सेमेस्टर परीक्षा को भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने रद्द कर दिया। साथ ही साथ विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार करीब सप्ताह भर पहले इस वायरस की चपेट में आने से दो छात्रों को समस्या हुई थी। दिन बीतने के साथ ही इस अनजाने वायरस की चपेट में हॉस्टल के करीब 50 छात्र जद में आ गए। इस अनजान वायरस के बारे में राजा राममोहन राय हॉस्टल के एडमिन वार्डन अमरनाथ पासवान ने बताया कि इस समस्या के कारण अब तक करीब 50 स्टूडेंट्स ने अचानक आंखों में परेशानी होने की शिकायत की है। छात्रों की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। डॉक्टरों की टीम हॉस्टल में छात्रों के आंखों की जांच कर रही है। हॉस्टल के एडमिन वार्डन अमरनाथ पासवान की माने तो इस समस्या से छात्रों को उभरने में करीब 10 दिन का समय लग सकता है। वही विश्वविद्यालय प्रशासन से जब इस बारे में बात की गई तो चीफ प्रॉक्टर अभिमन्यु सिंह ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की एक टीम इस पूरे प्रकरण का जायजा लेने के लिए पहुंची है। इस परेशानी से ग्रसित छात्रों के इलाज का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। विवेक कुमार मेरा नाम है। 3-4 दिन से मैं इन्फेक्टेड हूँ। मेरी आँख ही नहीं खुल रही है, आंसू बहुत आ रहे हैं इस आँख से। दवाई कोई काम नहीं कर रही है। डॉक्टर ने बोला एक दो हफ्ते तक रहेगा वो, ऐसा एग्जाम भी हम लोगों के अभी 28 से, बड़ी समस्या है। कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं? 50-60 तो लोग हैं हॉस्टल में, इस विंग के बहुत सारे लोग हैं। कौन सा हॉस्टल है, क्या नाम है? राजा राममोहन राय। तो क्या परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं? क्या परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई? हाँ, कुछ हिस्ट्री वालों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, अभी हम लोग की रद्द तो नहीं हुई है। क्या मांग करते हैं? मैं चाहता हूँ थोड़ा पोस्टपोन हो एग्जाम, जब तक आ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला एक दो हफ्ते लगेगा इन्फेक्शन में ठीक होने में। की दवाई से ठीक ही नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों तो एक दो हफ्ते भी, एक हफ्ते ज़्यादा भी हो गया उनका, ठीक भी नहीं हुआ उनका। अभी मतलब क्या हुआ, वायरस कैसा है, क्या दिक्कत है? डॉक्टर तो बोल रहा है नॉर्मली है, दवाई खाओ ठीक हो जाएगा नॉर्मल दवाई से, पर अभी तक तो बहुत से लोगों का दिक्कत भी हो रहा है। अभी जाँच वगैरह तो कुछ नहीं हुई है यहाँ पे। मेरा नाम चैतन्य हुआ। किस हॉस्टल में रहते हैं? राजा राम मोहन राय हॉस्टल। क्या समस्याएं आ रही है? यहाँ समस्या आँखों में कुछ दिन से लड़कों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके बाद ध्यान नहीं दिया लोगों ने, नॉर्मल बीमारी है। फिर धीरे धीरे बहुत सारे लड़कों को होने लगे, फिर हम लोगों ने कंप्लेन किया, कल ही कंप्लेन किया तो हेल्थ सेंटर से पूरा एडवाइजरी जारी हुई, और उसके बाद एग्जाम भी कैंसिल हुआ हिस्ट्री डिपार्टमेंट का। इस प्रशासन को चाहिए कि इसमें बढ़िया से पूरा सैनिटाइजन करवाए और एक मेडिकल टीम लाए हॉस्टल में, जो पूरी अच्छी तरह से इसको जांच करे, और उसके बाद जितने भी एग्जाम हैं, जो भी प्रॉब्लम है लड़कों का, आगामी परीक्षाएं उनको भी कैंसिल करे, पोस्टपोन करे, यही हमारी मांगे हैं। और 50-60 लड़कों को हो चुका है हॉस्टल में। देखने में क्या दिक्कत आ रही है, क्या किस तरह की समस्या आ रही है? आँख लाल हो जा रहा है पूरा, और धुंधला सा दिख रहा है लड़कों को, पानी भी गिर रहा है, कोई भी दवा काम नहीं कर रहा है, क्लियर नहीं दिख रही है। नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा है। ये दो लड़के हैं हमारे बैच के, ये भी हैं। एक मनु सिंह चित्रांकर बनारस यूनिवर्सिटी। सर, हॉस्टल है उसमें जो है बच्चे कुछ आपके समस्याओं से परेशान हो रहे हैं, तो लगभग कितने बच्चे और क्या एडवाइजरी जाएगी? हम लोग एडवाइजरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने जारी किया है, जो मेडिकल के विशेषज्ञ हैं उनके हिसाब से, कि उसको रोकथाम से कैसे बचा जा सकता है, अन्य बच्चे कैसे प्रभावित नहीं हो सकते हैं। बच्चों की एग्जैक्ट जो नंबर है उसके विषय में तो 30-40 आज रात को बात किया था मैंने, तो वार्डन का कहना था कि 30-40 बच्चे बताए थे अपनी समस्याओं को, लेकिन उनके जो हॉस्टल के अटेंडेंट्स वगैरह हैं उनका, उनके माध्यम से उनको सूचना थी कि उससे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हैं। तो चूंकि ये एक एपिसोडिक होता है, कई उसमें से ठीक हो रहे हैं, कई को नए को हो रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन है। तो बच्चों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं? हाँ, चूँकि मास लेवल पे ज़्यादा बच्चों को हो गया, उसको ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी परीक्षाओं को अभी स्थगित कर दिया। क्या समस्याएं आ रही हैं बच्चों को जिस कारण परीक्षा स्थगित करना पड़ा? समस्याएं आँख का है, ये आँख का लाल हो जाना, इस बीमारी में जो भी होता है, तो
उसी तरह की समस्याएं हैं, और चूंकि आंख में समस्या है तो बच्चा परीक्षा 3 घंटे बैठ करके कैसे दे सकता है, उसको ध्यान में रख करके किया गया। तो सर क्या डॉक्टरों की टीम भी इसके जो है? हाँ, अभी 12:30 बजे इनके छात्र अध्यक्षता ने एक बैठक बुलाई है, उस सोशल साइंस के कोऑर्डिनेटर का, हॉस्टल के वार्डन्स का, आँख विभाग के हेड का और CMO का, तो उनसे बैठ करके उसकी जो भी कार्य योजना होगी वो लोग तैयार करेंगे, और इस पूरे प्रकरण को छात्र अधिष्ठाता अपने स्तर पे देख रहे हैं। सर, और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? बच्चों से कहना चाहेंगे कि अपना पेशेंस बनाए रखें, चूँकि ये ऐसी कोई, इसको हम जैसा समझ सकते हैं कि बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन चूँकि इन्फेक्शियस है, फैलता है, तो एक दूसरे से दूरी बनाए रखें अभी, और बचाव करें जिससे कि दूसरे ज़्यादा बच्चों में न फैले, और जिसको जिनको हुआ है वो दूसरों से दूरी बनाए रखें बच्चे, यही वो करेंगे, और पेशेंस बनाए रखें, जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रशासन भी इस दिशा में अपना कार्य कर रहा है। सर, किस हॉस्टल का ये मामला है? राजा राम छात्रावास सोशल साइंस का हॉस्टल है। कितने दिनों से ये समस्याएं आ रही थी? हम लोगों के पास जो रिपोर्टिंग है, पिछले 5-6 दिन पहले कम बच्चों को हुआ था, 2 या 3 बच्चों को हुआ था, तो ये अक्सर हर साल होता है, और फिर इतने मास लेवल पे तो कभी नहीं।